एक समय भारत में काफी लोकप्रिय इस खेल के चाहने वालों की संख्या आज काफी कम दिखती है, मगर कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की वजह से ये खेल आज भी भारत में जिंदा दिखता है। एक तो वैसे वर्ल्ड का स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ गया है, जब से ओलंपिक स्पोर्ट बना है तब से काफ़ी जो छोटे कंट्रीज थे उनका स्टैंडर्ड भी बढ़ गया है और हम वहीं पर रह गए हैं, तो जो टॉप में जो गैप है वो थोड़ा काफ़ी अभी ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी पिछले एक दो तीन साल में हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स भी और ऊपर आएँ, तो थोड़ा पार्शल थोड़ा सक्सेस मिला है अभी तक, प्लेयर जैसे गोपी चंद है और अपर्णा पोपट है। आई थिंक विद इन मे बी 2-3 ईयर्स द बैडमिंटन विल बी कमिंग अप एंड इफ देर इज मोर एक्सपोजर ऑल्सो फॉर द जूनियर्स एज वेल एज सीनियर्स आई थिंक वी कैन डू वेल एट द इंटरनेशनल लेवल टू। आज महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में भारत में अच्छे खिलाड़ी हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में इनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा था, मगर इस खेल को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए आज प्रकाश पादुकोण और सैयद मोदी जैसे खिलाड़ियों की जरूरत महसूस हो रही है। पॉपुलैरिटी था पहले और ये भी हो सकता है कि जब कोई एक स्पोर्ट में वर्ल्ड लेवल में कोई एक अच्छा प्लेयर होता है तो उस टाइम में ऑटोमेटिकली उस गेम के लिए ज़्यादा कवरेज मिलता है, तो वो पॉपुलर रहता है, क्योंकि हम अभी वर्ल्ड लेवल में इतना अच्छे प्लेयर्स कोई प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, ये भी एक वजह हो सकता है कि ये गेम इतना पॉपुलर नहीं है जितना एक 15-20 साल पहले था। लगभग एक दशक पहले ये खेल भारतीय घरों का खेल हो गया था, मगर इसके साथ ही और खेलों की तरह ही हमारे दोहरे व्यवहार ने इसे बेजान सा कर दिया है।